हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करने में भाई मुझे बहुत लेट हो गया और मैं आज दिन के 2 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा दिन में आज मैंने बिल्कुल सुबह से व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया और मैं कर रहा था भाई, चिड़ियाँ बहुत चहका रही थी, यहाँ पे चहक रही थी। मैंने कहा भाई पानी और धूप गर्मी इतनी तेज़ है ना, तो मैंने उनके लिए एक जुगाड़ बनाया पानी पीने का, पेड़ में बोतल काट के। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैंने अभी क्या करा। और धूप देखो इतनी कड़ाकेदार धूप हो रही है, तो मैंने इनके लिए एक जुगाड़ बनाया जो मैंने इंस्टा में एक वीडियो देखी थी उसके अनुसार। और ये अब आएंगे वो ऐसे पी लेंगे, लेकिन इसमें से यार पानी बह रहा है तो इसका कुछ सिस्टम करना पड़ेगा कि पानी लीक ना हो। तो सही है, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया है, आवाज़ आ रही होंगी। ये पी तो नहीं गई, आओ 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 आओ। भाई अभी हम आ गए हैं भाई, पेडिग्री खाएगा क्या? चले जल्दी चल, लस्सी पीते हैं, लस्सी पीते। भाई बहुत गर्मी है, कुरकुरे आया नहीं। अरे आज कुरकुरे आया क्या? अरे मत कर कर। भाई एक ले ली लस्सी और एक यहाँ इसने ले ली भाई, गर्मी में बस यही चीज़ है हमारे लिए, लस्सी भी हो मस्त मौला रहो। सो इस समय मैं पहुँच चुका हूँ भाई घर और मैंने आज बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया भाई। वहाँ गया कहीं इधर उधर घूमा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, किया तो बहुत कुछ लेकिन अपना ब्लॉग नहीं कर पाया मैं। और सबसे पहले अब जाने में नहा धो लिया, मैं जा रहा हूँ भाई जिम। तो जिम जाने के लिए सबसे पहले भाई मैंने अपने उसमें ऐड किया भाई मैंगो, सॉरी बनाना शेक। फिर इसके बाद भाई मेरी दूसरी भी तैयार हो जाएगी, वो है चना और साउथ मूंग वगैरह जो भी मेरे है वही है। उसके बाद मैं लूँगा थोड़ी देर बाद, फिर एक वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं लेता हूँ भाई 5 अंडे, पहले 4 थे अब 5 कर दिए। मैं शेक ले रहा हूँ पूरा एक लोटा, एक गिलास ही है बाकी ये बचा है, तो ये मैंने पूरा कम्प्लीट करना है। अब धीरे धीरे करके हर एक चीज़ ऐड करते रहूँगा, अपनी सारी मील्स ऐड करते रहूँगा। तो भाई मेन साहब हमारी भाई मिली सेकंड मील ली आई। ओहो भाई, और ये मुझे लग नहीं रहा कि इन्होंने सॉलिड बना रखा है। वैसे सॉलिड बना है, सॉलिड ही बना है, सॉलिड होना कल की तरह। हाँ, पसीना देखो, पसीना कितना हो गया, मत करो पसीना कितना हो गया भाई। हाँ तो एप्रिशिएट करो उसको। एप्रिशिएट क्यों? पसीना निकाल के बना ठीक भाई साहब, इतनी मेहनत कर रहे हो भाई साहब, तो गर्मी में जाओ किचन में। अच्छा चलो भाई, चलो भाई एली के साथ बैठ जाओ। हमारे वहाँ था ना भाई ये एसी, भाई खाली एली के लिए भाई, ओनली इसके लिए दिन भर ये बैठे रहती। सब लोग मेहनत करते हैं, एली है अपनी सारी तरफ से। आपने अपने रूम की पेटी खा दी है, बताओ क्या कर रहा है ये? पेटी से बाहर का भाई। तो भाई मैं जिम पे आया और उसके बाद मैंने वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने उसके बीच में अपना ब्लॉग नहीं करा भाई। तो मेरे पार्टनर साहब वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और भाई मेरी हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई आज। भाई पूरा जिम खाली है हमारा, पूरा जिम पता नहीं कहाँ चले गए, सांप सुन गया लोगों को क्या हो गया। एक ही दिन भाई सभी लोग अपसेट हो जाते हैं। भाई पार्टनर साहब मार रहे भाई फोर आर्म जो कि मैंने छोड़ रखी है। मैं इसलिए नहीं मारा भाई, मेरे हाथ में इंजरी पड़ गई थी अभी, इसलिए मैं मार नहीं रहा हूँ कि भाई नसें बहुत खींच गई थी। और आज हमारे जिम का भाई एसी भी सही होने लग गया है। तो मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करके मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, और मैं चाहता हूँ कि अपना वर्कआउट करते हुए अपना ब्लॉग में, लेकिन नहीं कर पाता वहाँ पर। मैं एक्सरसाइज करूँगा या ब्लॉग करूँगा, कैसे कैमरा पकड़ूँगा, अब कोई पार्टनर एक अच्छा सा बनाता हूँ जो कैमरा ही पकड़ेगा मेरी वर्कआउट की सारी वीडियोज़ ले। तो पहुँच चुका हूँ भाई घर, और इस समय मैं हूँ अपने घर की छत पर, और गर्मियों में ना छत में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। ये मेरी वाइफ सासू माँ के साथ भाई, ये हमारी एली खेल ली, और डोरा, सब लोग भाई साथ ही। तू भी मार खाए क्या? क्या मच्छर आप बुला रहे हो? मेरे वजह जिम से आते ही भाई इसको खेलने की हो जाती है। अरे दूर जाओ तो फ्लैश लेके। ए मत करो मदन लोगों। तो भाई मेरा हो चुका है अब खाने खाने का टाइम, नहा धो लिया मैंने एक्सरसाइज करने के 2 घंटे बाद, जब घर आया था उसके बाद नहाता हूँ और नहा धो के सेट अब खाने लग गया हूँ। खाने में भाई मेरा बन चुका है हाफ फ्राई, वो हाफ फ्राई नहीं करा इसे, और ये है कद्दू आलू एंड दही। वो भाई इधर भी बन रही रोटी, और रोटी रख दी इधर, और सामने चल रही भाई टीवी। तो आजकल तो भाई वेडिंग सीज़न होता है तो भाई बाहर का ही खाना चलता है, तो घर का खाने खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। किस्मत हुई भाई हमारे लिए तो किस्मत। ये हेली मुझे ऐसे देख रही है, चिल्लाने लग जा रही है, इसको अब आदत ऐसी हो गई कि भाई मैं खाऊं तो इसको भी खिला रहा हूँ, बड़ी हो गई ना भाई। हेली मांग मांग मुझसे, मांग मैं नहीं दूंगा, मांग मांग मांग। एक तो इतनी कमज़ोर हो गई ना भाई, आप सभी लोग आ चुके हैं, जब तक सब लोग नहीं आते ना खाना खाने का मज़ा नहीं आता है। भाई मेरी वाइफ भी आ गई खाना लेके, अभी इसका इधर खाना लगा है। भाई ये रहे हमारे सासू माँ, वो भी अपना खाना लेके आ गई हैं।
तो सभी लोग के भाई अपने लिए भाई खाली सब्जी लाई है, रोटी ये है, खाओ खाओ। नेताजी आप भी आ जाओ, ये हमारे घर के नेताजी है भाई।